तो रात ही हो रही है और अभी मैं जल्दी उठ गया था, 7:15 हो रहे हैं। खैर जल्दी तो नहीं कह सकते, तो कल मैं रात को ही बिरयानी पैक करा के ले आया था भाई, वो जो सूर्या रेस्टोरेंट था ना उससे। भाई कितने सही बंदे हैं यार, चावल के साथ। पहले तो ये देखो, बिरयानी है इस वाले में दही है, और इस वाले में कह रहे थे कुछ करी है, क्योंकि इतना सारा दे दिया। मैंने कहा भाई क्या क्या पैक कर दिया, मैंने तो एक चिकन बिरयानी कही थी। सही देखो भाई, तो ये अभी भी आधा अभी खाया जाएगा मेरे से, पूरा तो खाया भी नहीं जाएगा, आधा शायद बेल्जियम में खाऊंगा या फिर मैं ट्रेन में बैठ के। तो खाते हैं भाई और चलते हैं। तो भाई आप सभी लोगों का लग्जमबर्ग में अभी तो, और सुबह के बज रहे हैं 8:15। अभी तक भी देख लो सूरज कह सकते हो कि निकला हुआ है, पर नहीं भी निकला हुआ, क्योंकि शायद सनराइज़ यहाँ पे 8:45 का है आज का। तो 8:15 बज रहे हैं, उठ तो मैं जल्दी गया था, फिर तैयार होते होते टाइम लग गया। मेरी ट्रेन है यहाँ से जो कि जाएगी मेरे को लेके बेल्जियम, बेल्जियम ब्रसल्स नहीं जा रहा, जो कैपिटल है बेल्जियम की वहाँ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ एंटवर्प। एंटवर्प ये एक नीदरलैंड्स के बॉर्डर पे एक सिटी है, और मैंने देखा कि अगर मेरे को सिर्फ सिटी सेंटर ही घूमना है, क्योंकि ब्रसल्स में भी ऐसा कुछ है नहीं घूमने वाला, तो इससे अच्छा बढ़िया सिटी सेंटर वाली जगह चलते हैं। तो एंटवर्प का मैंने देखा यार कि काफ़ी बढ़िया है ब्रसल्स से, तो मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। तो पहले जाना पड़ेगा हमको ब्रसल्स ही जाना पड़ेगा यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन लेके, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करके आधे पौने घंटे की एक और ट्रेन है और वो लेके हम पहुँच जाएंगे एंटवर्प। तो चलो चलते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ लग्जमबर्ग का भी स्टेशन कैसा है, बड़ा प्यारा है। तो भाई तेज़ बारिश शुरू हो गई एकदम से, जब मैं होटल से निकला था कुछ नहीं हो रहा था, 2 ही मिनट चल के आया हूँ मैं और हवा चल रही है भयंकर, पता नहीं भाई क्या हो रखा, जैसे 4 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, फील्स लाइक मैं -1, क्योंकि हवा लगती है तो ज़्यादा ठंड लगती है। वो आ गई अपनी ट्रेन, इसमें बैठ के मेन सिटी से सिटी वो स्टेशन लेके जाएगी भाई। इतनी ठंड में मेरा दिमाग भी चल गया है बिल्कुल। लो भाई तेज़ बारिश हो गई भाई, बिल्कुल खाली ट्रेन। अबे बारिश इतनी तेज़ हो गई यार, रुक रुक तभी जाऊँगा मैं गेट के पास जब रुकेगी। अबे ओले गिर रहे हैं, अबे तो ओले हैं अंदर घुस गए। पहुँच गया मैं लग्जमबर्ग के स्टेशन पे, और देखो यार क्या शानदार सा लग रहा है ना, लाइट वाइट के साथ, और वो है उनकी ट्रेन, मतलब जो लग्जमबर्ग की है CFL, ये तो फ्री है वैसे भी। तो बस अब क्रॉस करके स्टेशन के अंदर चलते हैं। 9:11 की हर 1 घंटे में चलती है यहाँ से ब्रसल्स के लिए तो ट्रेन। मस्त लग रहा है यार, देखना सीनिक, बिल्कुल मज़ेदार। छोटा सा स्टेशन है, वेटिंग एरिया भी उस तरफ, कल मैं वहीं पे वेट कर रहा था। तो 9:11 पे आएगी अपनी ट्रेन, और ये रही 9:00, दिखाता हूँ रुको, 9:11 IC 2132 ब्रसल्स, 1 नंबर प्लेटफॉर्म। 1 नंबर कहाँ है फिर, ट्रेन अभी अभी आगे लगी तो है, और मेरे को लग भी रहा है ब्रसल्स ही जाएगी, क्योंकि जो इनके टीवी होते हैं ना, ये वो जो ये ब्लू 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 कलर के लगे हैं, इस पे जो ट्रेन लिखी होती है ना वही चलती है प्लेटफॉर्म से, ऐसा नहीं कि बाद वाली ट्रेन पहले लिख देंगे। तो ये वाला है फर्स्ट क्लास डिब्बा और वो वाला सेकेंड क्लास, तो मेरे पास फर्स्ट क्लास का यूरो रेल पास है, तो अपन फर्स्ट क्लास में जाके बैठते हैं आराम से, ब्रसल्स चलते हैं। ये है भाई फर्स्ट क्लास डिब्बा, सीट्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। स्नोफॉल लग्जमबर्ग में बर्फ गिर गई भाई, मेरे को लग रहा है कि सिटी में भी गिरी रही होगी, अब ये ओले तो गिरी रहे थे जब हम चले, अभी अभी गिरी है बस बर्फ, अब टहल आ गई। ये देखो गिर रही है अभी भी बर्फ, दिख रही हो आपको तो, नीचे तो पड़ी हुई है। ट्रेन में ना TTA आया था चेक करने, जैसे ही बैठा था वैसे ही आ गया था, मतलब
विद इन 4-5 मिनट, क्योंकि भाई इस ट्रेन से जो पहला स्टॉप आता है ना वो बेल्जियम के अंदर ही आता है, तो बेल्जियम तक ट्रैवल करना फ्री नहीं है। अब बॉर्डर तक लेके जा सकते हो कोई लोकल ट्रेन, पर बेल्जियम नहीं जा सकते आप फ्री ट्रेन में, आपको टिकट लेनी पड़ेगी या फिर आपके पास हो यूरोइल का। तो भाई बर्फ़ गिर रही थी अभी बाहर और हम हो चुके हैं 15 मिनट के बाद बेल्जियम में एंटर, क्योंकि थोड़ा लंबा है लग्जमबर्ग, चौड़ाई में थोड़ा कम है, तो बेल्जियम से ब्रसल्स चलते हैं। भाई इतना जापान में ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक तो चीज़ समझ में आई थी जापान में, कि चाहे कितना ही बड़ा स्टेशन हो, टोक्यो हो, ओसाका हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कितनी फास्ट ट्रेन हो, कितनी लग्जरी ट्रेन हो, वो स्टेशन पे आएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट रुकती है। और यहाँ यूरोप में क्या करते हैं भाई, ठीक है टाइम पे हैं ट्रेन, एक स्टेशन पे इतनी देर रुकने की क्या ज़रूरत है भाई। ये तो मैं जापान वालों के साथ संतुष्टि रखता हूँ मैं, ये ज़रूरत नहीं है एक स्टेशन पे इतनी देर तक रुकने की ट्रेन, और 2 मिनट में बंदे चढ़ भी जाते हैं उतर भी जाते हैं, और यहाँ तो पूरा डिब्बा खाली है। तो ये मैंने ऑब्जर्व इस बार किया। ये पहुँच गए भाई हम ब्रसल्स। ब्रसल्स तो खैर 3-4 स्टेशन पहले ही पहुँच गए थे, ब्रसल्स के अंदर ही 4 स्टेशन थे ब्रसल्स नाम से। तो हमको उतरना है ब्रसल्स नॉर्ड पे, यहाँ से मिलती है एंटवर्पन की ट्रेन, बस लगने वाली है प्लेटफॉर्म पे अब गाड़ी। देखो वो लिखा ना, उस स्टेशन पे उतरना है हमको ब्रसल्स नॉर्ड। आ गया प्लेटफॉर्म, आ गया, चलो उतरते हैं और अगली ट्रेन हमारी है 20 मिनट बाद। ब्रसल्स के सिटी का तो कह नहीं सकता, पर स्टेशन तो बहुत ही गंदा, ट्रैक्स भी गंदे हैं भाई, यार कुछ साफ नहीं करता क्या यूरोप? तो लग ही रहा भाई मेरे को, मतलब इतने कूड़ा फेंक रखा है भाई, वो देखो वहाँ तक पड़ा है कूड़ा, और यहाँ पे मैंने बैग वैग रखा, कूड़ा देखो, यूरोप तो लग ही नहीं रहा भाई मेरे को। मेरे को इतना गंदा स्टेशन पूरे यूरोप में आज तक कहीं नहीं मिला है जितना गंदा ये है भाई। लोग पर ऐसा नहीं है कि डस्टबिन नहीं है भाई, डस्टबिन है, मैंने अभी खुद सामान फेंका है अपना डस्टबिन में, पर लोग खा पी के ही छोड़ जाते हैं। भाई यार क्या शानदार स्टेशन है भाई साहब, मजा आ गया भाई देख के ही, वाओ। चलो बाहर चलते हैं, अभी हम पहुंच गए हैं एंटवर्पन, एंटवर्प कहेंगे एंटवर्पन पता नहीं है मेरे को, पर स्टेशन शानदार है भाई। यहाँ से चलते हैं अब हॉस्टल। तो भाई अभी क्या हुआ कि यहाँ से हॉस्टल थोड़ा दूर है, मतलब होगा 15-20 मिनट वॉकिंग पे, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्कूटर चलाते हैं लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर ना, तो ये आप रेंट पे ले सकते हो, उसका कुछ होता है सिस्टम। मैंने भी ऐप वैप में जाके ऐसा कर दिया कि मैं 60 मिनट तक स्कूटर राइड कर सकता हूँ पूरे 3 दिन में, मतलब 3 दिन में 60 मिनट तक कर सकता हूँ। मैंने दिए हैं 6 यूरो दिए मैंने, वरना फिर ट्रेन व्रेन में लग जाते हैं, यहीं से चलते हैं। ये स्कूटर खड़े हैं ना, आप एक काफ़ी सारी ऐप हैं जो उनसी मर्जी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लाइम वाली करी है, अब करते हैं स्कूटर अनलॉक और चलते हैं। भाई अभी मैं पहुंच गया और मैंने लिया हॉस्टल, हॉस्टल का नाम है बूमरैंग हॉस्टल, और ये बिल्कुल मत लेना भाई आप में से कोई भी आ रहा हो, भाई मेरे को देने थे 15.5 यूरो, मैंने hostelworld.com से बुक किया था इस बार, तो आती कहती कि 18.5 यूरो देने हैं। मैंने कहा क्यों भाई, कहती बेड शीट के 2.5 यूरो लेते हैं हम। मैंने कहा भाई एक काम करो ना, फिर हट्टा दे दो और गद्दे के भी पैसे लेने लग जाओ, सही बात है 2.5 यूरो भाई, और लिखा भी तो नहीं है कहीं पे, मैं अगर लिखा होता तो मैं करता ही नहीं भाई बुक की, बेडशीट के 2.5 यूरो यार क्या मतलब है यार। फिर भाई वो हॉस्टल में यार लॉक नहीं है, अब मैं क्या कहाँ छोड़ूँ यार अपनी पर्सनल, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टफ है, मैं ऐसे छोड़ के आ गया अभी, तो एक छोटा सा लॉकर टाइप है, दिखाऊंगा कैसा है। चलते हैं यार सिटी सेंटर में, तो जल्दी से घूम के आ जाऊंगा यार, बस मन सा नहीं हो रहा अब यार, मतलब मन उठा दिया यार ये छोटी छोटी चीज़ें जो यूरोप वाले करते हैं ना, 2.5 यूरो दे दे बेड शीट के, क्या नंगा पत्ती चल रही है भाई, अपने प्राइस में ऐड कर दो ना बेड शीट के एक्स्ट्रा, क्या मतलब है यार। चलो सिटी सेंटर चलते हैं, और ये वाला स्कूटर मैंने लिया था, मैं था 14 मिनट इसमें बैठ के आया था, और अभी 46 मिनट की राइड और बची है, तो चलते हैं, 2 किलोमीटर है तो इस पर बैठ के चलेंगे। यार ये जो स्कूटर्स की है ना, इसकी आप बैटरी भी चेक कर लिया करो, ऐप पे ना बैटरी भी दिखा देता है कितनी बैटरी बची है, अगर कम बैटरी वाले लोग हैं ना उसमें पावर सी कम होती है, तो एक थोड़ा दूर पे अच्छी बैटरी वाला खड़ा है वो लूँगा मैं।
भाई इस पे एक हाथ से वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं यहाँ पे राइड कर रहा हूँ और ये पूरी ट्रैम की है, तो मतलब जनरली इसको भी पैदल चलने वालों की तरह ही मान लो, जहाँ पे पैदल चलने वाले जा सकते हैं वहाँ पे जा ही सकता है। तो अभी एक मेन स्क्वायर पे जा रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया है वो। तो इसकी आधी बैटरी बची है, देखो जितनी लिखी है। अब ये ना इस पे कछुआ बना आ गया। कछुए का मतलब है भाई 8 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चलेगी ये, क्योंकि ये अब आ गई है पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, तो फिर इसमें रिस्ट्रिक्शन लग गई है। चलो हमको वहीं तक जाना है 400 मीटर। तो भाई यहीं छोड़ दिया मैंने स्कूटर, तो ज़्यादा ही कछुआ बन गया था। इसकी बैटरी भी कम हो रखी थी और कछुआ बन गया था। तो ये आ गई मेन स्ट्रीट और काफ़ी बढ़िया लग रही है यार ये मेरे को। बस हॉस्टल वालों ने आते ही दिमाग ख़राब कर दिया, वरना तो सही है यार। मैंने बस ब्रसल्स में इसलिए नहीं आया इस स्क्वायर के उसमें, ये स्क्वायर इतना भाई यार ये कैसे आया, ये यकीन नहीं होता भाई। अभी एक इंडियन, ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लग रहा है मेरे को, और इतनी भूख नहीं थी मेरे, क्योंकि सुबह चिकन बिरयानी में बहुत सारी खा गया था। तो अभी इडली मंगा ली मैंने, 5 यूरो की 2 इडली आएंगी, अपने 2 इडली खा के चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिर। भाई इडली आ गई, मन पहले तो मन गया इसके ऊपर हाथ ही सेक लूँ बाहर। भाई एक तो स्कूटर पे आया ना मैं, देखो लाल हो गया पूरे चिल्ड। इडली खा ली भाई, 5 यूरो की नहीं थी, मैं 5 यूरो तैयार करके बैठा था, टैक्सी वगैरह पता नहीं बाद में जोड़ते होंगे, तो फिर वो 6.5 यूरो की हो गई। यार मेरे हिसाब से तो पहले जोड़ के रेट लिखने चाहिए यार, बात बात बिताले का सिस्टम तो भाई थोड़ा अजीब है। तो 6.5 यूरो की इडली पड़ी, तो इडली पर खाना काफ़ी टेस्टी था, इडली मतलब काफ़ी टेस्टी लगी मेरे को। मेरे को पता है क्योंकि यार इडली सांभर वगैरह मैं काफ़ी जगह खाता हूँ, तो मेरे को पता है सही था। भाई ये वाली बिल्डिंग है मेरे को पता कैसी लग रही है, वो मूवी सेट नहीं होता कि बस आगे आगे है और पीछे खाली है, ये वैसी बिल्डिंगें लग रही हैं कि भाई फट्टे लगा दिए हैं बस। पर यार ये असली की बिल्डिंग्स हैं, और यार सारी ही गलियां ऐसी हैं यार, मतलब ये तो चलो है ही मेन हिस्टोरिक बिल्कुल इनका, वो गली देखो अब यहां से वो गली जा रही है, वहां गली देखो, इस गली से जिससे मैं आई हूं इंडियन रेस्टोरेंट है वहां पे वो देखो, ये देखो भाई यार, मतलब कितनी तारीफ करूँ यार मैं इस सिटी सेंटर की यार, मतलब मैंने इससे बेटर सिटी सेंटर ज़िंदगी में नहीं देखा और मैं शायद देख भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इससे बेटर मेरे को नहीं लगता। देखो हर बंदे का नज़रिया अलग होता है, पर मेरे को देखो इस तरफ भाई ये कितना मस्त यार, मज़े आ गए भाई सच में यार। इतनी खुशी ना मेरे को यार किसी सिटी सेंटर में आने पर नहीं हुई यार, जितनी इस सिटी सेंटर पर आने पर हो रही है यार, मतलब क्या ही चीज़ है यार। यार सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि भाई जचा रखी हो, मतलब यार क्या बताऊँ सच में यार, मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में इस सिटी सेंटर में ज़रूर आना यार आप, और क्रिसमस टाइम पे आओगे तो भाई मतलब सोना तो है ही है, उस पर सुहागा हो जाएगा। पता नहीं मतलब क्या होता है सोने पे सुहागा, कुछ मतलब होता होगा सोने के ऊपर भी कुछ। तो यार वो देखो ये तो चलो 5-6 बिल्डिंग है ही, वो देखो वो वाली भी कितनी सही है, और यहाँ पे भी स्कूटर खड़े हैं सारे, इसको लेके अभी मैं घूम रहा था और इंस्टाग्राम के लिए मैंने बस ऐसी स्टोरी बना दी, रील वील में बनाता नहीं हूँ, तो चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना भाई, उस पर हाईलाइट से मिल जाएगी आपको मैंने क्या बकवास कर रहा था अभी यहाँ पे सिटी सेंटर में, सब देख रहे हैं मेरे को क्या कर रहा है ये भाई। यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा, अब यहाँ पे धूप आ गई अब तो, और मतलब मैं जिगल सा लग रहा है यार भाई। अब स्क्वायर से निकल के मैंने कहा कुछ और भी देख लूं यार, भाई यार ये कितना बड़ा है भाई, मैंने 0.5x पे कर रखा है, मैसिव है भाई ये। देखो मैग्नेट देख लेता हूँ, मैग्नेट खरीदूंगा। मैं सोच रहा था चर्च के अंदर बैठेंगे आराम से, 12 यूरो के एंट्रेंस है जो कि मेरे भाई अंदर तो आ सकते हैं आप, और यहाँ पे एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी।
और ये शॉप है वो फ्री है विजिट करनी है। इसके अंदर के एंट्रेंस चलो ठीक है, प्रेइंग एरिया से एक बना रखा है, जिसको प्रे करना है वहाँ पे आके प्रे कर सकता है। पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल किसी भी देश में चाहे कैसा भी चर्च हो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आप एक धार्मिक जगह में जाने के लिए पैसे ले रहे हो। हाँ अगर मतलब मान लो धार्मिक जगह के अंदर जाने दो, अगर ऊपर वगैरह टावर वगैरह पे अगर आप भेज रहे हो तो भाई 10-12 यूरो आप ले रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई सबको जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ फ़न के लिए है। पर अगर आप मतलब बिल्कुल ही मतलब वैसे एंट्रेंस फीस ले रहे हो तो फिर वो तो गलत है यार। बेल्जियन बियर्स, बेल्जियन चॉकलेट्स, हाउस ऑफ वेफल्स मतलब बेल्जियन वेफल्स, बेल्जियन फ्राइज तो आपको मिल जाएंगी। और पता है आपको बड़े ऑफेंड हो जाते हैं लोग अगर आप जाके मतलब KFC में भी कह देंगे तो कि फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो ये लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारी बेल्जियन फ्राइज अलग हैं। तो ट्राई करूँगा और मैं पक्का आपको बताऊँगा बेल्जियन फ्राइज का, तो अभी तो भूख सी है नहीं और यहाँ तो मिलेगी भी बहुत महंगी भाई। ये है बेल्जियम का झंडा अगर आपको नहीं पता तो। भाई निकला तो था खाना खाने, भाई इस बारिश में कौन चला जाएगा, अब मैं तो नहीं जा रहा, फालतू बीमार बीमार हो जाऊंगा, हवा चल रही है, ऑर्डर कर लेता हूँ इससे अच्छा। तो भाई बेल्जियन फ्राइज का सपना ज़िंदगी में कभी और पूरा कर लेंगे, वरना आगे का ट्रिप ख़राब हो सकता है।